वाला है जिसमें हम अलग अलग नस्ल पे काम कर रहे हैं। यस सर, मैं आज इस बीच वाल फार्म पे आया हूँ बछड़ा लेने के लिए थार पार्कर का, और मुझे बछड़ा दिया भी है। डॉक्टर सीताराम जी हमारे साथ खड़े जो इंचार्ज हेड है इसके। यस सर। और पूरी ऑक्शन को इन्होंने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से किया है, बहुत ही अच्छा शानदार एक अरेंजमेंट था यहाँ देखने को मिला। और खुशी की बात दूसरी ये है कि यहाँ पर देसी गाय के उत्थान के भविष्य को मैं देख रहा हूँ। यस सर। और यहाँ पर जितने भी गौ भक्त आए हैं उन्होंने बछड़ों के ऊपर भी उतना मूल्य लगाया है जो कि काम साधारण व्यक्ति सोच नहीं सकता। जी। और दूसरा जो नेत्रहीन गाय जो 282,000 के करीब उस सेल हुई है, ये मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड की न्यूज है कि इतनी ज्यादा महंगी गाय उसका नेत्र नहीं है। यस सर। तो वो एक ब्रीडर की दृष्टिकोण से इन्होंने ली है क्योंकि उसकी माँ का दूध बहुत अच्छा है और वो जेनेटिकली इम्प्रूवमेंट के लिए इन्होंने ये गाय ली है। तो मैं इनको भी साधुवाद। गाय नंबर का एक बार थोड़ा बोल दो जी। गाय की डैमेज बताओ भाई, कुछ मत देखा दो, गाय की डैमेज बताओ। गाय नंबर 126, माता नंबर 27, मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन 4327.6 लीटर। और छोटे के हाथ में, और अभी तक टोकन नंबर 3 बोली 1,00,000 रुपए। बोली 1,00,000 रुपए, टोकन नंबर 3 बोली 1,00,000 रुपए, टोकन नंबर 1 बोले भाई, टोकन नंबर 6 101,000। वाह भाई वाह, टोकन नंबर 6 101,000, टोकन नंबर 6 101,000, 125,000, टोकन नंबर 3 150,000। प्रीतम जी लगाओ, गंगा बह रही है। देसी जो थार पार्कर गाय है, गाय नंबर 126 नंबर, एक मिनट हो गई, हम ये भी वीडियो बना रहे हैं। 43 बोलते हैं आगे। 125,000 प्रीतम जी, 1,55,500। टोकन नंबर 3 151,000, और 151,000 जो पहले चांदन में जो गाय बिकी थी 151,000 की, वही मालिक है, वही हो जी आप जी। 151,000, बहुत बढ़िया। 3 नंबर प्रीतम जी आइए भाई, 500 बढ़ा दो भाई। 151,000 500, 1,71,000, 1,71,000, टोकन नंबर 3 1,71,000, 1,81,000, टोकन नंबर 3 1,81,000। देसी गाय की कीमत का आज बिल्कुल की कीमत 1,81,000। प्रीतम जी बता दो भाई, 1,81,500, 2,00,000 भाई, 2,00,000। 3 नंबर 2,00,000, 2,81 तो मेरे लगाए हैं पहले, 2,05,000 लिखो ऊपर जी फटाफट, 2,51,000। डिटेल एक बार दोबारा बताइए सर, डिटेल बीच में देखिए। गाय नंबर 126 पीसी 126, इसकी माँ का दूध 4327 लीटर, और साथ में इनके क्या बने थार पार्कर की गाय है, सोना है, बोली लगाई है। टोकन नंबर 3 ने 1,71,000, 2,51,000, 3 नंबर की तो बोली आएगी 2,51,000 सर। पूरी गाय नेत्रहीन है, नंबर 126 डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर 2015, माता नंबर है 27, और माँ ने दूध दिया है 6 लैक्टेशन में, मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन है 4327.6 लीटर, और ये जो गाय है वो अभी 7-8 महीने के आसपास ही प्रेग्नेंट है, और ये गाय नेत्रहीन है, और अभी तक जो मैक्सिमम बोली है टोकन नंबर 3 2,51,000। प्रीतम जी आओ, 2,51,000 2,61,000। प्रीतम जी बढ़ा दो, 2,61,500, 1 नंबर टोकन 2,61,500, 2,71,000, 2,51,000।
81,000 शानदार भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 2,81,000 प्रीतम जी, 2,81,500 चलो सर, तालियां बजा दो इनके लिए। 2,81,500 फार्म का जो रिकॉर्ड है वो 2,81,000 का पहले का है, और आज एलआरएस बीचवाल ने जो थार पारकर गाय है उसने सीसीबीएफ फार्म के रिकॉर्ड को तोड़ा है 2,81,500 रुपए की कीमत में, और अभी बोली है वो आगे चालू भी है, नेत्रहीन गाय है, और जिस गाय ने एक बार बच्चा दिया अभी दूसरी बार ग्याबिन है, ब्याने वाली है, तो बहुत ही 81,501 टोकन नंबर एक, टोकन नंबर एक लगाओ सर, 2,81,500 बढ़िया पार्टी है, मेरी बात हो गई उनसे, अच्छी सेवा करेंगे, बेहतरीन गाय है, बहुत अच्छे घर में जा रही है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी बहुत शुभकामनाएं। 2,81,502 पापा जी सुगुन करो थोड़ा, 3,01,00,000 का पैसा निकल हो रही है कि देसी गाय का उत्थान के लिए आ रही है ना, बढ़िया। 2,81,503 ये जो गोली छूटी है वो टोकन नंबर एक, डिटेल बताओ, युतिका नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड सोजा सिटी पाली, और एक बार वापस से इस पशु की डिटेल बता दें, गाय नंबर है 126, इसकी डेट ऑफ बर्थ है अक्टूबर 2015, इसकी माँ का नंबर है 27, मैक्सिमम दूध प्रोडक्शन है इसका 4,327.6 लीटर, और जो गोली छूटी है वो 2,81,500 पशुधन अनुसंधान केंद्र बीचवाल में, राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, और थार पर नस्ल की गाय है 2,81,500 बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं सबका इस बोली को सही दिशा में लेके जाने के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हमारे जो दर्शक हैं इन सबको आप दो शब्द, इस जो आपने गाय ली है आपका क्या पर्पज है, किस तरह से रहेगा, थोड़ा सा आप बताइए सर। हमने ये जो हमारा काफी समय से प्रयास चल रहा था, जो देसी जो हमारी नस्ल है थार पारकर जी की जो है श्रेणी की जी, उसके संवर्धन और उसके विकास के लिए भी हम भी थोड़ा बहुत, जो हमारा युतिका वेलफेयर फाउंडेशन चलता है उसके जरिए हम करना चाह रहे थे। आपका किस है हमारा ये किस लोकेशन पे आपका, हमारा जगह है पाली जिले के अंदर, ठीक है, मेहंदी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है जी, तो ये हमारा देसी नस्ल को बढ़ावा देने के लिए आपने एक कदम उठाया, बहुत शानदार।